हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यार आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चीज़ में नाश्ता वाश्ता क्यों लेके बैठी हैं। तो भाई हम उठे हैं सुबह तो गैस भी चले गई है। ऐसा लग रहा है हम कोई जंगल में आ गए हैं। एक दिन लाइट चले जाती है और एक दिन गैस चले जाती है। आप ही ने नाश्ता बना लिया था अपना, हम रह गए थे नाश्ता करने के लिए। तो भाई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसाफ को भेज दिया, वरना ये देर से आते हैं। तो ये हमारा नाश्ता ले आए। नाश्ते में ये लोग क्या लाया भाई, ये देखो मिट्ठू के साथ रह रहे के मिट्ठू वाले बोलने वाले हो गए। निकाल दे यार, निकाल दे। काम कुछ करने देने। अरे भाई ये हमने बाहर से मंगाए अपने लिए पराठे परौठे। भाई देखो गैस जाने से एक चीज़ अच्छी हो गई, हमें बाहर का नाश्ता मिल गया है। कासिम कासिम साहब मुंह छुपा रहे क्योंकि उनकी टेंड आ गई है व्लॉग में। तो ये अंडा है ठीक है। और ये क्यों रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? चीकू पीछे है ना, आओ नाश्ता करो। अगर चीकू मर भी गया है तो हम अल्लाह ताला की मर्जी होती है ना इसमें, हम क्या बोल। हाँ तो हम क्या बोल सकते हैं अगर मर गया तो? हम कुछ बोल सकते हैं? अल्लाह ताला की जो मर्जी होती है, जिसकी सांसें जब तक लिखी हैं जब तक ही वो जिंदा रहेगा, चाहे तुम हो मैं हूँ या कोई भी हो। आ जाओ कासिम भाई, आपके लिए अंडा बनवा के लाए, आ जाओ। ये देखो कासिम भाई साहब ने वैसे नहीं निकाल लिए थे, लेकिन इन्होंने अब खुद को भूख लगी तो इन्होंने अपनी सर्विंग स्टार्ट कर दी। खा ले छोड़ दो खाना। अभी पराठे भी निकाले गए। ये भाई हम नाश्ता। हाँ भाई आप ही की भी आवाज़ आ गई है, जल्दी कर लो, चलना भी है। चलना है आदि भाई, उसको तो चीकू का सदमा लग गया है। मिट्टू को आज कर दिया है मैंने बंद, क्योंकि आज ये सुबह से कर रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और मेरी गोद में भी नहीं आ रहा है, हाथ में भी नहीं आ रहा है। अब हादी मेरे जो है ना, इसने उंगली में खून निकाल दिया था जब मैंने इसको लिया, तो इसने बाइट कर लिया, वरना ये करता नहीं है। अच्छा इसको जो है ना भूख लग रही थी, और इसके जो है दाने में ये देखें सूरजमुखी के बीज जो होते हैं ना वो ख़त्म हो गए। ये बाजरा नहीं खाता, ये सिर्फ सूरजमुखी के बीज खाता है। और ये देखें अब मैं इसके लिए अलग नहीं करूँ, हादी डोंट टच, वो डर जाता है फिर खाना नहीं खाता। ये देखें ये कुछ भी नहीं खाता, इसके लिए मैंने वहाँ भी सब्जियाँ डाली हुई हैं कि ये कुछ खा ले। यहाँ ये पेड़ रखा है, पानी, ये वाला दाना, ये दाना, ये सारा दाना इसने देखें गिरा दिया। आप गिरा है? नहीं, इसने ना चोंच मार के खींच ली वो जब मैं रख रही थी। अब इसमें से काले बीज बीन बीन के खा रहा है। अब इसके लिए कल जो है ना काले बीज मंगवाऊंगी मैं, ताकि ये खा ले, कुछ तो खाए ये। यहाँ से हाथ डाल इसके उसमें ही डालना, डब्बे में ही डालो, खुद खा लेगा वो। जब मैं रख रही थी तो बकायदा ऊपर से उतर के आया है कि ये बरनी रखो नीचे, इसके अंदर काले बीज इसको नजर आ गए थे। चले जी, हम लोगों ने भी अभी यहाँ चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है। अब मैं पढ़ाऊंगी इन लोगों को। फातिमा गई भी है मदरसे पढ़ने, और इनके हो रहे पेपर। आ गए आप पढ़ के? सलाम तो करो मिट्टू को, मिट्टू को शाम हम करो, पढ़ के आई हो तो। अस्सलाम वालेकुम तनु, आज मैंने इसको बंद किया हुआ है, आज मैं इसको खोल नहीं रही। ये ऊपर जाके बैठ जाता पिंजरे के, और फिर उसके बाद जो ये नीचे नहीं आता मेरे पास, इसलिए आज मैं इसको पनिश कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। पिंजरे में रहो तुम ताकि खाना खाओ तुम। फातिमा नहीं आई क्यों? अच्छा छोटा सा बन खाना है चाय से। चाय फिनिश हो गई ना, अभी बाबा के लिए बनाऊंगी ना रात में चाय, फिर खा ले। मिठू खाओ, कहाँ है मम्मी? नीचे बैठो ना, नीचे बैठो, गई हूं। बैठो यहाँ बैठो मम्मी, यहाँ है माशाल्लाह। ये लोग रोज आके मुझे सबक दिखाती हैं, और यहाँ फातिमा का सबक यहाँ है। कहाँ है मेरा वो वाली? यहाँ बा खौता, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जी यहाँ मैं बना रही हूँ यखनी, और यहाँ स्टार्ट हो गया है हमारा नेक्स्ट डे।
और इसी दिन जो मतलब प्रीवियस डे गुजरा है, मुस्फरा जो मदरसे से पढ़कर आई है, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो उसमें जो है उसकी प्लेटलेट्स वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम आए थे, तो डॉक्टर ने फौरी तौर पर उसको जो है कहा था कि आपने एडमिट करवाना है। सो फिर नेक्स्ट डे था सुबह का, तो रात में वो लोग एडमिट हो गए थे 11-12 बजे के करीब। तो मैं दोपहर के टाइम मुस्फरा के लिए यखनी बना के भेज रही थी कि वो कुछ तो खा ले, वो कुछ खाती ही नहीं है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो यखनी तो आप लोगों को पता ही है किस तरीके से ही बनती है, बस सब चीज़ें आप जो है चिकन के साथ डाल दें, प्याज टमाटर अदरक लहसुन और थोड़ा सा गर्म मसाला वगैरह, उसको 1-1.5 घंटे पका लें, देन उसको छान लें, छानने के बाद अच्छी तरीके से सारी चीज़ों का अर्क निकाल लें। और फिर जो है आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन में जो है आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और थोड़ा सा 2 चम्मच भर के आटा डालना है, किसी भी किस्म का आटा जो आप लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, उसके साथ सौते कर लेना है। और यहाँ पे मैं चॉप की हुई प्याज डालना भूल गई थी, तो चॉप की हुई प्याज मैंने बाद में ऐड की थी, लेकिन आप लोग साथ में ही कर लीजिएगा। तो ये सब करने के बाद, भूनने के बाद जो हमारी यखनी बचेगी उसके अंदर हमने ये डाल देना है और अच्छी तरीके से सूप को पका लेना है। और जो मैंने चिकन निकाला था उसके भी बारीक बारीक रेशे कर लिए थे, क्योंकि बच्ची है तो उसे साबुत नहीं खाया जाएगा। हाँ, अगर कोई बड़ा है पेशेंट तो आप जो है उसको ऐसे भी दे सकते हैं। अच्छा, यही यखनी आप जो है, विंटर आ रहा है आगे, तो सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद रहती है नज़ला खांसी के लिए, किसी का सीना ख़राब हो जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है इस यखनी का। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, यानी कि वो वाली बात है चढ़ाओ और भूल जाओ, तो जल्दी से बन जाती है, इसमें कोई हल बेल नहीं लगते। तो इजीली इसको आप रेगुलर भी बना सकते हैं ताकि ताज़ी ताज़ी पी लें, या फिर आप 2-3 दिन की बनाकर भी खट्टी रख सकते हैं। यखनी में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। यखनी बनाते वक्त भी थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा ताकि चिकन में भी थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाए। तो बस ये 2-3 चीज़ें ही इसके अंदर जाती हैं, कोई ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाते हैं, और ये मज़ेदार सा हमारी यखनी कह लो या सूप कह लो रेडी हो जाता है। तो जी ये देखें, बस मैंने इसको जल्दी से पैक कर लिया क्योंकि मुझे देर हो रही थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से बना के इसको पैक कर दो ताकि मैं जो है हॉस्पिटल देता हुआ ऑफिस चला जाऊं। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो 2 बजे तक 2:30 बजे तक मुझे रेडी करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से रेडी वेडी करके इसको पैक करके मुस्फिरा के लिए भेज दी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल दुआ कीजिएगा मुस्फिरा के लिए कि अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत अता करे और जल्द से जल्द घर से वापस ले आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में इरिट्रेट हो रही है, कभी ऐसा पहले हुआ नहीं है, तो पहली बार ही ऐसा हो, अल्लाह करे कि पहली और आखिरी बार ही ऐसा हो, और किसी भी बच्चों के ऊपर इस तरह की कोई मुश्किल ना आए, ना ही किसी माँ बाप को ये दिन देखना पड़े। बच्चे बीमार होते हैं ना, माँ बाप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो खैर, आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट है। आज भी हमारे घर में लाइट नहीं थी पूरा दिन, यहाँ हमारे एरिया में नॉर्थ नाजमाबाद के एरिया में कोई काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि एक दिन पूरा दिन लाइट होती है और एक दिन पूरा दिन लाइट नहीं जाती। अब ये मुझे नहीं पता कि ये काम कितने दिन तक चलना है, 15 डेज़ तो इसको इस तरीके से हो गए हैं कि एक दिन पूरा दिन जाती है आती है, तो अब देखते हैं आगे कितने दिन चलना है। अदरवाइज़ तो हमारे एरिया में लाइट जाती ही नहीं थी, कोई लोड शेडिंग का मामला थे ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट रहती थी एनी टाइम, बट अभी कोई काम चल रहे हैं वायरिंग्स वगैरह के, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम वाम हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि बारिश वगैरह में भी लाइट नहीं जाया करेगी, तो होपफुली कि ऐसे ही हो, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये काम कब तक ख़त्म होता है मुझे नहीं पता। रात के खाने में मैंने बनाया था आलू गोश और उसके साथ में बना रही थी रोटियां। डिनर के लिए दस्तखान बच्चों से मैंने लगवा लिया था, मैंने कहा चलो मैं हाथ के हाथ रोटियां बना के देती हूँ और आप लोग खाना खाने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि पूरा दिन लाइट नहीं थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है थक गए थे। लाइट नहीं होती ना, कुछ काम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बंदा थक जाता है, मेरे साथ भी यही होता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अच्छा जी, आज मेरे से दोपहर में थोड़ा सा हार्ड आटा गून गया था और लाइट भी नहीं थी, तो मैंने आटा रख दिया था डी में, और अब मैं निकालना भूल गई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी मुस्फरा की तबीयत देखने, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, रो रही थी, तो मैं उमैमा को और फातिमा को मिलवाने के लिए ले गई थी, लेकिन वहाँ गए तो आप बच्चों को मिलने नहीं दे रहे थे, ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए जाने दें, तो हम लोग को 10-10 मिनट के लिए उन्होंने जाने दिया। तो बस हम 10-10 मिनट बैठ कर आ गए और हम लोगों ने मुस्फिरा को मिल लिए, पर हम उसको यही कह के आए थे कि इंशाल्लाह आपकी आज या कल छुट्टी हो जाएगी, तो उम्मीद है कि छुट्टी हो जाएगी और रिपोर्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो जी बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को जो है हर चीज़ खिलाने की आदत डाला करें। ये ना हो कि बच्चों को एक ही चीज़ पे आप लोग वो रखें कि बस ये खाती हैं तो यही खाती हैं, फोर्सफुली खिलाया करें बहुत ज़्यादा ना। तो मदर मुसफिरा के साथ यही कुछ हुआ है, वो खाती नहीं है कुछ ना, तो बहुत कम चीज़ें, चिकन वगैरह, बीफ, बोटी, इस तरीके की चीज़ें तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं लेती है, जूस वूस वगैरह भी नहीं लेती है। तो आप लोग भी ये ख्याल क्या करें कि बच्चों को हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दें, लेकिन दे दें। और बच्चे बार बार खाना मांगें तो उनको बार बार खाना भी दे दिया करें, क्योंकि उनका जो है ना इतना सा पेट होता है, और बच्चों के अंदर ना टिक्के खाने की आदत नहीं होती है, तो वो बार बार इसीलिए मांग रहे होते हैं कि जो है ना बार बार उनको भूख लग रही होती है, वो एक ही दफ़े में बड़ों की तरह बैठकर खाना मुकम्मल नहीं करते। तो बहरहाल बस यही है, और कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जो जब होना होता है तो होके ही रहता है। और वैसे भी आजकल बुखार का और इन सब चीज़ों का, डेंगी मलेरिया इनका जो है ना वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका भी ख्याल रखें। घर में कॉयल वगैरह लगा लें या कोई उलुबान की धूनी दे दें, जिसकी वजह से मच्छरों का काफ़ी अच्छा जो है ना हल है ये। हम तो अक्सर दे देते हैं इसे कोयला जला के, लोबान की धूनी दे देते हैं, तो 1 वीक के लिए सुकून हो जाता है। या फिर मोर्टिन वगैरह का स्प्रे वगैरह सोने से पहले कर लिया करें। सो जी, रोटी वोटी खाने के बाद सीन हो जाता है बर्तन धुलने का, तो आप लोगों से बातों बातों में रोटियां भी बन गई, हम लोगों ने खाना भी खा लिया, और मैं यहाँ बर्तन धोने भी आ गई हूँ। तो साथ साथ आप लोगों से बातें, आज मेरा कोई मूड आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह शेयर करने का नहीं था। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि बात भी की जाए, कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पे बात की जाए। ये ज़रूरी नहीं है रोज़ाना कोई अपना डेली व्लॉग ही किया जाए, या अपनी रूटीन ही शेयर की जाए, या फिर कोई ना कोई रेसिपी शेयर किया जाए। तो आज मेरे से आप मैंने आप लोगों से इसी तरह की कोई बात करनी थी कि मच्छर बहुत हो रहे हैं, अपना ख्याल रखें, बच्चों का किस तरीके से केयर करें उसकी ख्याल रखें, यानी कि बस मैंने आप लोगों के साथ ना अपनी दिल की बात शेयर करनी थी, ऐसा समझ लीजिए आज के व्लॉग में, जो मैं कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे एंड करूँगी व्लॉग का। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।